फ्रेंड्स, मैं अनु और आप मुझे देख रहे हैं रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स। सो देखो, ये तो सबको आते हैं, मेरे को भी आते हैं, हर लड़की को आते हैं, अप टू द एज ऑफ 45-50 के भी हो जाते हैं। सो उसमें कई बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी विमेन हैं जो वर्कआउट नहीं कर पाती या करना नहीं चाहती। मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं करती, दो दिन मैं नहीं जाती जिम। सो क्यों? क्योंकि मेरी लेग पेन होती है, कहीं की स्टमक पेन होती है, कहीं की बैक में प्रॉब्लम होती है। सो उस टाइम आई थॉट कि नहीं करना चाहिए, सो होता भी नहीं है, राइट? सो बट यस, सब ऑफिस भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, अपना स्कूल में कोई पढ़ता है तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, बट वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें थोड़ा सा बॉडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। उस टाइम वीकनेस फील होती है क्योंकि ब्लीडिंग होती है, ब्लड फ्लो बहुत हो जाता है, वीकनेस होती है, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। सो उसमें लड़कियां नहीं कर पाती समहाउ। सो मैं कहती भी नहीं करो या नहीं करो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। अगर आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि दो दिन रेस्ट करके थर्ड डे जाना है आपने, तो तब भी आप जा सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। बट येस, यू शुड रियली कंसिडर अबाउट योर डाइट। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट ऑन दीज टाइम्स क्योंकि उसमें वीकनेस ज़्यादा होती है, जॉइंट्स पेन या फिर बॉडी पेन, हेडेक, स्ट्रेस लेवल, इरिटेशन लेवल थोड़ा सा हाई होता है इन सब दिनों में। सो आपको प्रॉपर मील लेनी चाहिए, इसमें हैवी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए। हैवी कार्ब मतलब बहुत ज़्यादा रोटियाँ या बहुत हैवी डाइट इसमें नहीं लेनी चाहिए। द रीज़न वाई, इसमें ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं, इन सब चीज़ों में आपका ब्लड थिक हो जाता है। सो इसलिए जितना आप लाइट ले पाओ उतना लो, और जितनी आपको मील्स एसेंशियल है उतनी लेनी चाहिए। बहुत गर्ल्स हैं जो कहती नहीं मुझे भूख नहीं लगी, ऑफिस में होते हैं पूरा दिन खाली पेट, वो भी नुकसान देता है आपकी बॉडी को। सो जितना प्रॉपर क्लीन खा सको, जितना हेल्दी खा सको, न्यूट्रिएंट्स जिसमें ज़्यादा हो वो आपको डाइट लेनी चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि आप जिम नहीं जाना, आपको ज़्यादा आपकी बॉडी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी या ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, इसमें मेरी स्टेमिना इतना नहीं है, मेटाबॉलिज्म रेट इतना नहीं है कि इन दिनों में मैं जा पाऊँ, सो बेटर है कि थोड़ी बहुत वॉक कर लो। अगर दो दिन नहीं भी करोगे, रेस्ट भी करोगे, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, आई एम अगेन सेइंग, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप, आपकी कितनी को स्ट्रेंथ है, आप उसकी अपनी बॉडी को वैसे कैरी कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस टोटली हो होते हैं उन 3 या 4 या 5 दिनों में। सो अगर आप उसके बाद भी रूटीन में आते हो तो तब भी नहीं है कि, बहुत लड़कियां फिटनेस फ्रीक होती हैं लाइक मी, राइट? मैं दो दिन नहीं जाऊँ, तीसरे दिन होते हैं मैं डबल एक्सरसाइज कर लूँ कि फैट ना इंक्रीज़ हो गया हो। सो खाना भी लिमिटेड सोच सोच के खाना और वो सब चीज़ें होती हैं। बट अगर आप खाते भी हो तो उसमें वेट लॉस नहीं होता या फिर गेन नहीं होता, क्योंकि आपका पहले इतना वो माइंड सेट बिल्कुल चेंज हुआ होता है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, इरिटेशन होती होती है कि ये कब ख़त्म हो, कब मैं वर्कआउट करूँ, कब रूटीन नॉर्मल लाइफ में हो। सो उन दिनों में वो जो मंथ के वो 2 या 3 दिन होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हैं। सो गर्ल्स, आपने, सो फ्रेंड्स, आपने जाना है तो जाओ, नहीं जाना तब भी आप आराम से रेस्ट करके 3rd day, 4th day, or 5th day भी जा सकते हो, इट्स नो हार्म। सो आई थिंक आई हैव क्लियर दिस मिथ कि आपको वर्कआउट करना चाहिए इन दिनों में या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट।